भारत की नदियां। चलो देखो, आवाज मत करना बस, है ना, ध्यान पूर्वक टीवी की ओर देखना, ऐसा लगना कि पिक्चर देख रहे हो तुम, बस तो दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। चलो देखो, भारत में लगभग कितनी 4000 नदियां है, ठीक। 4000 नदियों में से 23 बृहत नदी है और बाकी 200 लगभग लघु नदियां है, है ना, बाकी 200 लगभग छोटी नदियां है। अब भारत की नदियों को मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक। दो भाग कौन कौन से हो गए, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीप भारत की नदियां, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपी नदियां। प्रायद्वीपी नदियां मतलब ये नीचे का जो भारत का इतना हिस्सा है, ये प्रायद्वीपी नदियां है। आगे बात समझ, ठीक। तो अब इसमें मैं हल्का सा आपको अंतर बताता हूँ, है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपी नदियां में, है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियां का मुहाना और उद्गम बहुत दूर होता है और प्रायद्वीप भारत की नदियां का उद्गम और मुहाना पास होता है। मतलब ये हुआ कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई कैसी होती, अधिक है, है ना, और प्रायद्वीप भारत की नदियों की लंबाई कैसी है, कम है। इसलिए देख लो आप, गंगा की नदी लंबाई 25-25 है ना, 25-25 किलोमीटर, और 1465 किसकी है, इधर तुम्हारी गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना, तो अंतर है ना, ठीक। दूसरी बात, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है ना, ये सदा नीरा नदियां है, मतलब इसमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इसको जल एक हिम से मिलता है, बर्फ से, है ना, और वर्षा के जल से मिलता है, और इसको केवल पानी कहाँ से मिलेगा, वर्षा के जल से। बात आई समझ, ठीक। प्रायद्वीप भारत की जो नदियां है वो प्राचीन है हिमालय की नदियों से, ठीक है, क्योंकि हिमालय बाद में बना, पहले 33 सागर था, वहां तुमको पता है ना, ठीक। इतनी बात समझ में आई, दोनों में अंतर समझ में आया, हिमालय की नदी और प्रायद्वीप भारत की नदियों में, ठीक। अब देखो, जो हिमालय की नदियां है इसको अपन पढ़ने के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं, हिमालय की नदियों को, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ये बने कैसे, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मायोसीन काल में एक नदी हुआ करती थी यहाँ, हिंद ब्रह्म, है ना, उसको शिवालिक नदी भी बोलते थे, शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी, ठीक। तो क्या हुआ, प्री स्टोनिक काल में क्या हुआ, यहां से एक पठार की उत्पत्ति हुई, है ना, पोटवार पठार। तो पोटवार पठार के उत्थान से क्या हुआ, ये छिन्न भिन्न हो गए, कौन सी नदी, हिंद ब्रह्म नदी। ये हिंद ब्रह्म नदी असम से इधर पंजाब की ओर बहती थी और पंजाब में दक्षिण की ओर मुड़के कहां गिर जाती थी, अरब सागर, लेकिन पोटवार पठार का उत्थान हुआ प्लियो काल में, ठीक। तो पोटवार पठार के उत्थान से क्या हुआ, ये नदी छिन्न भिन्न हो गई। इसकी कुछ वैज्ञानिक इसका मानते हैं कि इसी के माध्यम से ये तीनों तंत्र बने हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतना आया समय, ठीक। अब एक अपन देख लेते हैं यार, सिंधु नदी तंत्र, ठीक। जूम करना पड़ेगा, बस हो गया, ठीक। चलो अब अपन देख रहे हैं, फर्स्ट पहले सिंधु नदी तंत्र, ठीक। अब इसको समझते जाओ, सिंधु नदी तंत्र, इधर कौन सा भाग है भारत के, इधर तिब्बत, ठीक। तो तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमांग यांग डोंग, चेमांग यांग
डोंग ग्लेशियर। तो चेमांग यांग डोंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी। ठीक, तो चेमांग यांग डोंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और किस और बह रही है? पश्चिम की ओर बहती है। फिर इधर महानिमालय वगैरह आ जाते हैं तो इसको पार नहीं कर पाती है, तो फिर यहाँ से इसको ढाल किधर की ओर मिलता है? उत्तर की ओर मिलता है। उत्तर की ओर जाने के बाद फिर वापस किधर की ओर मुड़ जाती है? ये पूर्व पश्चिम की ओर। वापस किधर की ओर मुड़ जाती है? पश्चिम की ओर। और पश्चिम में फिर यहाँ पे एक स्थान है दमचौक। ठीक, इस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। दमचौक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। आपको स्थान याद रखना है, दमचौक से सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो यहाँ पे मिलेगा आपको लेह। ठीक, तो सिंधु नदी के किनारे बसा है जिला लेह। ठीक, इसके बाद आप देखोगे यहाँ आपको ऊपर मिलेगा एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और एक इधर नीचे मिलेगी। ठीक, तो ये है लद्दाख और ये है जैसलमेर। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है? तो लद्दाख और जैसलमेर, ये काराकोरम श्रेणी जो पर्वत है उसकी श्रेणियां है ना, काराकोरम लद्दाख जैसलमेर। इसके ऊपर देखोगे आप यहाँ पे आपको काराकोरम श्रेणी मिलेगी। ठीक, आ गई बात समझ? तो यहां से एक नदी आती है लद्दाख और काराकोरम के मध्य से, इसका नाम है सियो, जो किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक। और ये श्योक में एक नदी इधर लद्दाख के यहाँ से निकलती है नुब्रा, वो आके किसमें मिलती है? श्योक में। और श्योक किसमें आके मिल जाती है? सिंधु में। ठीक, फिर आगे बढ़ती है सिंधु तो ऊपर से एक नदी आके मिलती है यहाँ पे हुंजा। ठीक, ये भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। इतनी आई बात समझ? हुंजा। उसके बाद देखोगे एक नदी और आके मिलती है, इसका नाम है गिलगित। गिलगित। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको सिंधु गार। सिंधु गार। ठीक, तो सिंधु गार्ज के यही एक जगह है चिल्लास। जगह का नाम क्या है? चिल्लास। चिल्लास से सिंधु गार्ज से होती हुई काय में प्रवेश करती है पाकिस्तान में। सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान। किस स्थान से? चिल्लास। सिंधु गार्ज, गार्ज मतलब समझता है क्या होता है? गार्ज मतलब, गार्ज क्या होता है? जब नदी अपने युवावस्था में होती है, अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे हम नदियों की स्थलाकृति पढ़ेंगे जब, तो युवावस्था, प्रौण अवस्था और जीर्ण अवस्था, तीन अवस्था होती नदी की। जब पर्वत पे होती नदी तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? युवावस्था होती है। युवावस्था होती है मतलब पर्वत पे नदियों में जो ढाल होता है वो कैसा होता है? तीव्र होता है। तो इसमें अपरदन कैसी करती है? वो लंबवत अपरदन करती है। अपरदन कैसा होता है? लंबवत अपरदन होता है ना। तो मतलब ये जो घाटी है ऐसी बनती है, बीच से ये क्या होती है? नदी बहती है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? गार्ज। और अगर ये गार्ज और ज्यादा गहरा हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? केनियन। है ना, ये उधर देख लेंगे अपन, इधर थोड़ा सा आया तो मैंने बता दिया। ठीक ठीक, आई बात समझ? चिल्लास नामक स्थान से ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान। आपको दो स्थान याद रखना है, एक दमचौक और एक चिल्लास। दमचौक से भारत में इंटर कर रही है और चिल्लास से बाहर हो गई। आ गई बात समझ? याद रहेगा। ठीक, उसके बाद आप इधर देखोगे एक नदी आके मिलेगी, इसका नाम है काबुल। एक आएगी कुर्रम और एक आएगी गोमल। ठीक, काबुल, कुर्रम और गोमल, इतना याद रहेगा ना। ठीक, ये यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है अटक। काबुल सिंधु में कहाँ के मिलती है? अटक। एक क्वेश्चन और आता है याद रखना, कि जो सिंधु नदी है वो पर्वतों से बाहर प्रवेश कहाँ करती है? अटक में। मतलब समझ गए, पर्वतों से नीचे आ गई, मैदानी भाग में कहाँ आती है? अटक में। कौन सी? सिंधु नदी। आ गई बात क्लियर समझ? ठीक,
तो इधर से याद रहेगा नुब्रा, शियो, खुंजा, गिलगित है ना, ठीक। और इधर जो पाकिस्तान में मिल रही है आके वो काबुल, कुर्रम और गोमल है। आगे बात समझ, ठीक। और फिर आके इधर कराची के पूर्व में कैसे जाके मिल जाती है ये अरब सागर, अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, ठीक। इतनी बात समझ में ही। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ जम्मू कश्मीर में ही बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, झेलम नदी, ठीक ठीक। तो झेलम नदी के विसर्पण से कौन सी झील बनी है, बुलर झील। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील। इसी को गोकुर झील भी बोलते हैं, गौ के खुर की आकृति, वो स्थलाकृति पढ़ाऊंगा मैं झीलों की, जब बताऊंगा आपको गोकुर झील कैसी बनती है ना, ठीक। इसको झाड़न झील भी बोलते हैं, गोकुर झील को, ठीक। और यहाँ से फिर इधर तो झेलम नदी पे अनंतनाग से बारामूला तक, झेलम नदी पे अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है ये, मतलब नाव चलती है, ठीक। क्यों नाव चल जा रही है, क्योंकि ये जो झेलम नदी है ये कश्मीर घाटी में प्रवेश कर जाती है, यहाँ पे कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी में प्रवेश करती तो कश्मीर घाटी कैसी है, समतल है ना, तो समतल जगह में नदी विसर्पण कर पाएगी, विसर्पण मतलब समझ गए ना, विसर्पण कर पाएगी, तो इसी के विसर्जन विसर्पण से उलर झील बन गई। और समतल भाग है तो वहां पे नौकायन हो सकती है ना। और हिमालय पे आप ये देखोगे कि झेलम एकमात्र नदी है भारत की जो हिमालय पे विसर्पण करती है ना, बाकी कोई नदी विसर्पण कर सकती है क्या, तीहू ढाल से बहेगी विसर्पण हो गई नहीं, जब तक समतल में नहीं आएगी जब तक विसर्पण नहीं होगा। लेकिन ये विसर्पण क्यों कर पाती है, क्योंकि ये कश्मीर घाटी में प्रवेश कर जाती है, तो अनंतनाग से बारामूला तक ये नौकागम है, समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आप देखोगे ये उलग, ये जो है झेलम झील, झेलम नदी, ये यहाँ से इसके समानांतर ऐसी बहती है, तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, इधर क्या है पाक और इधर भारत, तो ये इसके यहाँ से ऐसी समानांतर बहती, यहाँ पे है फरक्काबाद और इधर है भंगला, तो फरक्काबाद से भंगला तक ये किसके, भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है, कहाँ से, फरक्काबाद से भंगला तक, और फिर इधर ऐसी आ जाती है, ठीक। और यहाँ पे एक जगह है झुंग, और झुंग में आके ये किससे मिलती है, इधर से नदी आएगी आपकी चेनाब, ठीक। झुंग में आके किससे मिल जाती है, चेनाब। इसकी बात समझ में, झेलम में कहाँ से निकल रही है, वो शेषनाग झील से, ठीक। अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में है, ठीक। इसी पे क्या है, उलर झील है, ठीक। बात आ गई समझ। इसमें आप देखोगे एक नदी यहाँ से पाकिस्तान से निकलती है ऐसी, और इधर भारत में आके मिलती है किससे, झेलम से। ये नदी का नाम है नीलम, पाकिस्तान में ये नदी को बोलते हैं नीलम नदी। आ गई बात समझ, ठीक। और इधर बोलते हैं भारत में जब आती है तो भारत में बोलते हैं इसको किशन गंगा, भारत में इसको क्या बोलते हैं, किशन गंगा। और इधर किधर से निकल रही है, पाकिस्तान से, और कहाँ मिल रही है, भारत में आके झेलम से। पाकिस्तान में इसको नीलम बोलते हैं और भारत में जब आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, किशन गंगा। इस पे ही परियोजना बना रहा था भारत, तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन ले लिया था, है ना, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अभी आगे इसको मिलाएंगे अपन। इसके बाद देखोगे आप तो यहां से एक नदी की धारा निकलती है, इसको बोलते हैं चंद्रा, ठीक। और एक इधर से निकलती है, इसको बोलते हैं भागा, ठीक। चंद्रा और भागा, ये दोनों आके मिलती है तोंडी में, दोनों आके कहां मिल रही है, तोंडी में। और यहां से संयुक्त रूप से होकर एक धारा जो निकल रही है इसको क्या बोलते हैं, चेनाब, ठीक। जो दोनों धारा एक होके निकल रही है इसको क्या बोलेंगे, चेनाब, ठीक। बड़ा लाचा दर्रे के समीप है ना, बड़ा लाचा दर्रे के समीप है चंद्रा और
भागा, दो धाराएं आती है चंद्रा और भागा, और दोनों आगे कहाँ मिलती है, टोंडी में, और वहां से एक धारा होके संयुक्त रूप से जो निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, चेनाब नदी। ठीक, आप यहाँ इधर देखोगे ये कहाँ है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ सीमा हो गई आपकी, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश और इधर हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ एक स्थान है जिसको बोलते हैं संसारी नाला, संसारी नाला। ठीक, याद रखना इसको, है ना, संसारी नाला नामक स्थान से ये हिमाचल प्रदेश से काय में इंटर करती है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी, याद रहेगा। ठीक, और इधर आके चेनाब नदी किधर आ गई, फिर पाकिस्तान में, और चेनाब नदी में याद रखना, इसको एक मुख्य धारा बना दे रहा हूं, चेनाब नदी में कौन सी नदी आके मिल रही है, झुंग के समीप झेलम नदी, चेनाब झेलम में नहीं मिल रही है, झेलम किस में मिल रही है, चेनाब में मिल रही है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद आप देखोगे यहाँ एक दर्रा मिलेगा आपको, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, रावी, इसका नाम है रावी नदी। ठीक, खारी, यहाँ एक जगह है खारी। ठीक, फिर यहाँ बॉर्डर बना दो, इधर है हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, है ना, शीरोबा, शीर किला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है और इधर पंजाब है, है ना, तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जब रावी नदी इंटर करती है वो स्थान कौन सा है, खारी। आ गई बात समझ। ठीक, अब आप देखोगे रोहतांग दर्रे की समीप एक छोटा सा कुंड है जिसको बोलते हैं व्यास कुंड, व्यास कुंड। ठीक, तो ये व्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक, अभी इसको इतनी बना रहा हूं क्योंकि इसकी दो धारा है ना, एक कृत्रिम रूप से लाई गई है और एक मुख्य धारा है। अभी देखो इधर, यहाँ पे मिलेगी आपको एक झील तिब्बत में, ठीक, इसको बोलते हैं राक्षस ताल या राक्षस ताल, राक्षस ताल या राक्षस ताल। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, सतलज। ठीक, तो ये 400 किलोमीटर सतलज नदी किसके, सिंधु नदी के समानांतर बहती है, फिर कहाँ आती है, ये हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे दर्रा है आपका शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा। इस जगह का नाम है चिन्नौर, सॉरी किन्नौर, जगह का नाम है किन्नौर, किन्नौर नामक स्थान से शिव किले दर्रे से ये कहाँ प्रवेश करती है, भारत में, किस स्टेट में करेगी, हिमाचल प्रदेश में, शिव किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में आगे आती है। ठीक, और इसमें एक व्यास की जो ये कृत्रिम धारा है ये किसमें मिला दी जाती है, यहाँ पे सतलज नदी में, और ये कौन सी धारा होगी, उसकी मुख्य धारा, ये उसकी कौन सी धारा होगी, मुख्य धारा, तो मुख्य धारा आगे जाके मिलती है। ठीक, जो जो कृत्रिम रूप से धारा आके मिली है ये मिलती है भाकड़ा नामक स्थान पे, भाकड़ा नामक स्थान पे, यहाँ पे भाकड़ा डैम बनाया गया है, याद रखना भाकड़ा नांगल बोलते हैं कि ये, लेकिन वो अलग अलग डैम है, भाकड़ा से 10 किलोमीटर दूर आगे इधर जाने पे यहाँ पे मिलेगा आपको नांगल डैम। ठीक, और भाकड़ा डैम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे, इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगा, भाकड़ा डैम। ठीक, अब आप बताओ डैम मैंने यहाँ बांधा है तो पानी इधर साइड भराएगा कि इधर साइड भराएगा, इस साइड, तो इस साइड बहुत सारा पानी भरा गया है ना, कृत्रिम रूप से पानी को रोका अपन ने, इसलिए यहाँ पे एक झील बनी जिसको बोलते गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। ठीक, पानी किधर भराया उसका, उधर साइड, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसके बाद ये आगे बढ़ी धारा, ठीक, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला नामक स्थान पे यहाँ पे डैम मिलेगा आपको हरि के बैराज, हरि के बैराज,
यहाँ पे एक डैम बना है जिससे एक नहर निकाली गई है, वो कहाँ गई है? राजस्थान से। कृत्रिम नहर है, नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कृत्रिम है, और याद रखना कौन सी नहर है? पक्की नहर है। पक्की नहर समझ गए ना? ठीक, तो इससे सिंचाई की जाती है राजस्थान में। ठीक, हनुमानगढ़ जिला सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। ठीक, अब ये धारा कहाँ निकल गई? आगे निकल गई। ये जो भाखड़ा नामक स्थान है, यहाँ पे कौन सी नदी आके मिली थी? कृत्रिम धारा उसकी, इसकी व्यास की। और मुख्य धारा कहाँ के मिली? कपूरथला। ये कृत्रिम धारा बिलासपुर में मिलती है, एक जगह का नाम है यहाँ पे बिलासपुर। इधर छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर नहीं है, ये दूसरा है ना, बिलासपुर नामक जगह पे आके ये मिलती है। फिर आगे जाके ये कहाँ आती है? पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान में आने के बाद इसमें कौन सी नदी मिलती है? चेनाब। और ये सब जाके फिर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। कहाँ मिलती है? मिठानकोट नामक स्थान पे जाके किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखना ये सब किसमें मिल रही? चेनाब में। और चेनाब जाके किसमें मिल रही? अरे सतलज में। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आई इसको बोलते हैं पंचनद, मतलब पांच नदी है ना, इसलिए पंचनद। और पंचनद नदी पूरी आके किसमें मिल रही है? सिंधु में। कहाँ मिल रही है? मिठानकोट नामक स्थान पे। ठीक, इसके बाद देखो आप सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये याद रखना। कोई कोई बुक 3100 भी देती है ना, 3100, लेकिन आपको क्या रखना है 2880। 11 की 11 की 11वीं की एनसीईआरटी बुक में यही दिया है, एनसीईआरटी को मानेंगे ना अपन। ठीक, तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। 1114 किलोमीटर ये कहाँ बहती है? भारत में। कौन सी नदी? सिंधु नदी। 1114 किलोमीटर कहाँ बह रही है? भारत में। कोई कोई पुस्तक 709 किलोमीटर भी देती है, लेकिन एनसीईआरटी में 1111 लिखा है, तो आपको यही मानना है। आगे बात समझ इतनी। ठीक, जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में, सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख कहा जाता है, या सिंगी, दो नाम है, शेरमुख सिंगी सम्बान। दो नाम याद रहेंगे आपको। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी सबान कहते हैं। ठीक, और जो ये सतलज नदी है इसको तिब्बत में लॉग चान चौन संबाब, ठीक, लॉग चौन संबाब के नाम से पुकारते हैं। किसको? सतलज नदी को। इसका याद रहेगा आपको। ठीक, और पूरी नदी आके फिर कहाँ मिल जा रही है आपकी? मिठानकोट सिंधु में। और फिर ये जाके कहाँ गिर जा रही है? अरब सागर में। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, पूरा मैप से